Assalamualaikum and welcome back again. कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे. तो जी आज तो जी मेला ही लूट लाई हूँ मैं. माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो मैं शॉपिंग करके लाई हूँ ना, आप लोग शिशतर रह जाएंगे. होपफुली मैंने बिल्कुल ठीक जो है ना कहा है. खैर एनी वेज जीन्स, तो वाकई जी आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शॉपिंग कर आई हूँ, तो आप लोग के साथ वो सारी शेयर करूँगी. अच्छा, शुरू में जब मैं यहाँ पर आई ना तो मुझे लगता था भाई यहाँ पर ना बस मुझे महंगे कपड़े ही दिखेंगे और महंगे कपड़े ही मुझे मिलेंगे. अगर मुझे जब भी चाहिए होंगे तो मुझे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी. बट नहीं, जब आप यहाँ पर लोगों से मिलते हैं, चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत अच्छी. तो जल्दी से जी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो ये है जी मेरा एक अदद शॉपर. यहाँ इसमें है जी ढेर सारे कपड़े जो कि मैं अभी आप लोग को शो करूँगी, दिखाऊँगी. तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो जी सबसे पहले है जी ये है जी ईमान की मैं लेकर आई हूँ, स्कर्ट लेकर आई हूँ. ये जीन्स की है, ये देखिए कितना अच्छा कपड़ा है इसका. ये जीन्स की है. इसके अलावा इसके साथ एक छोटू सा पाउच भी है एंड देयर आर आल्सो सम एक्स्ट्रा बटन्स टू. और ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टफ है, ठीक है जी. ये वहाँ पर आप मुझे सिर्फ 500 फिल्स की मिली है और वहाँ पर ये सिर्फ एक ही पीस था और कोई पीस नहीं अवेलेबल था वहाँ पर. सो वहाँ पर आपको डिगिन करना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा, फिर जाकर कोई आपको जो है वो ज़बरदस्त किस्म का कोई पीस नज़र आएगा तो वो आप बाई कर सकते हैं. और ये सारी जो हैं मुझे जब जितने भी वहाँ पर नज़र आए ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे वहाँ पर पीसेस पड़े हुए थे, बट फिर भी आपको जो है ना थोड़ा सा अच्छे से सर्च आउट करना था, ठीक है जी. ये 500 फिल्स का था और बार्गेनिंग करने पर ये मैंने 500 से भी कम करवा लिया. देन जी ये शर्ट हम लोगों ने बाय की है. देखिए ये कितनी क्यूट शर्ट है. ये भी प्योर कॉटन है. ये भी मैंने अबीहा के लिए बाय किए हैं. एंड देन आई बॉट दिस शर्ट. ये भी देखें कितना ज़बरदस्त इसका स्टफ़ है, बहुत ही उम्दा इसका स्टफ़ है, बहुत अच्छा स्टफ़ है जी इसका. ये भी बहुत ही रीज़नेबल रेट में हम लोग को मिली है. और ये जो मैंने बाय किए हैं, और जो ये शर्ट है ये भी अभी के लिए बाय किए हैं और ये भी बहुत ही कोई खूबसूरत है. देन जी एक ये शर्ट है, ये देखें ये कितनी प्यारी है, ठीक है जी. और फिर ये देखिए जी ये मैंने बाय किया है. ये अभी मुझे खुद भी नहीं पता है किसको आएगी, क्योंकि ईमान इतनी पतली है कि उसको बहुत छोटे साइज का कपड़ा भी आ जाता. अगर तो ईमान को फिट आ गया तो ये पहले ईमान पहनेगी फिर अबीहा पहनेगी. तो आपने ना जब भी जाना है ना लोकल मार्केट्स में, आपने ठीक ठाक बार्गेनिंग करनी है. कोशिश करें किसी ऐसे बंदे को लेकर जाएं जो कि पहले यहाँ का यहाँ पर जा चुका है. अगर यहाँ पर कोई आपका रिश्तेदार नहीं, ऑब्वियसली मेरा भी नहीं है, तो यहाँ पर जहाँ भी जिस बिल्डिंग में आप रह रहे होते हैं वहाँ नेबर्स होते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो उनको साथ लेकर जाएं, तो फिर ही जो है ना वो आपको शॉपिंग समझ में आएगी, ठीक है जी. ये अबीहा का है, ये देखें जी ये भी 300 फिल्स का. हम लोगों ने हर चीज़ बाद में जब हम लोगों ने सब चीज़ें बाय करनी थी ना तो लास्ट में हमने मज़ीद डिस्काउंट करवाया था क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बाय की थी. फिर जी ये है, ये मैंने बाय किया है, ठीक है जी. एंड ये देखें जी ये शर्ट है. सारे कपड़े मैंने ऐसे डाले हुए थे ना शॉपर में कुरुच मुरुच करके, ठीक है जी. ये बहुत क्यूट है. इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है कि मैं आप लोग को ना बता नहीं सकती. ये देखें जी इतना सॉफ्ट कपड़ा है ना. आई डोंट नो इन्होंने इतने अच्छे ब्रांडेड कपड़े इतने रीजनेबल रेट्स में क्यों लगाए हुए, पर पीस तो पीस आपको ना इसमें एक ही, जैसे ये है ना ये मुझे एक ही पीस नज़र आया, ठीक है. बट कुछ में ज़्यादा पीसेस भी अवेलेबल थे और डिफरेंट साइजेस भी अवेलेबल थे, जैसे कि ये है. इसमें जो है ना साइजेस भी अवेलेबल थे और डिफरेंट पीसेस भी अवेलेबल थे, ठीक है जी. तो ये डिपेंड करते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट ढूंढा है वो आपको एक मिल रहा है, दो मिल रहे हैं, उसमें कितने मिल रहे हैं, ठीक है जी. तो और इसके अलावा आई बॉट दिस, ये है जी आयान के लिए बेस्ट लिए है मैंने. ये देखिए जी ये बहुत ही ज़बरदस्त है, फुल स्लीव्स है और इसका स्टफ भी बहुत ऑसम है. ये भी हम लोगों ने वहीं से बाय किया है.
आप लोगों को याद होगा अयान की जब मैं शॉपिंग करके स्कूल के लिए, तो मैंने उसके जो अंदर वेस्ट पहनने के लिए लिए वो हाफ स्लीव्स हैं, और साथ उसके शॉर्ट्स हैं वो मैंने 2BD की बाय की है। और ये आप हिसाब लगाएं, मैं 300 फिल्स की वहाँ से लेकर आ रही हूँ, तो कितनी ज़्यादा ये आपको चीप पड़ेगी, ठीक है। और ये वाली शर्ट मैंने बाय की है नीचे पहनने के लिए ईमान के लिए, क्योंकि आपको पता है गर्ल्स को बहुत ज़्यादा अक्सर काम जो होते हैं वो फ्रॉक वगैरह के नीचे चुपते वगैरह हैं, तो उसके लिए मैंने ये ईमान के लिए बाय की है। ये है थोड़ा सा मोटा स्टफ, इतना पतला नहीं है, बट कोई मसला नहीं है, मैं सर्दियों में उसको पहना लूँगी, बट एटलीस्ट मेरे पास है तो सही, और बहुत रीजनेबल रेट में मुझे मिली, कपड़ा बहुत सॉफ्ट है। बात ना सारी जो ख़त्म होती है ना, सस्ती तो ऑब्वियसली ये हैं चीज़ें, बट कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि कपड़े की क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चे जो है ना बिल्कुल भी, एक तो सख्त कपड़ा पहनते नहीं है और बच्चों को पहना हुआ अच्छा भी नहीं लगता है। सो जितने सॉफ्ट होते हैं ना कपड़े लुक वाइज भी, वो उतने ही डिसेंट और सोबर लगते हैं। इसी तरह से ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये मैंने अयान के लिए बाय की है शर्ट, और ये सर्दियों की है, और इसका स्टफ चेक करें किस कदर उमदा स्टफ है। और जी यहाँ पर ये देखिए जी, ये मैंने बाय की है शर्ट, कितनी क्यूट है, इसका स्टफ भी बहुत मजे का है। ये मैंने ईमान के लिए बाय की है। इसके अलावा जी ये बाय किया है मैंने ईमान के लिए, और जी सेम मैंने बाय किया है अबीहा के लिए, ये देखिए क्यूट है ना। इसके अलावा ये रफ वेयर के लिए मैंने एक टाइट बाय की है। अच्छा जी, ये शर्ट ना मुझे लगता है ईमान को ना थोड़ी सी लेंथ वाइज बड़ी होगी, बट ये इतना नरम स्टफ था ना कि मैं इसको छोड़ नहीं थी सकती। ये चेक करें जरा स्टफ, मैं कैसे बताऊँ, कैसे दिखाऊँ, बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म का स्टफ है ये भी। इसके अलावा जी इस तरह से बाय किया है मैंने, ये देखिए जी ये बाय किया, ये ईमान के लिए बाय किया, ये बहुत ही नरम कपड़ा है ये भी, और बहुत पतला स्टफ है ये, ठीक है। ये बच्चे जैसे आए दिन क्लब गए हुए होते हैं तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो ये नहीं पहनते हैं, तो इस तरह से ये बच्चे कपड़े पहन सकते हैं और बीच वगैरह पे इंजॉय कर सकते हैं। ये ईमान के इसमें काफ़ी ज़्यादा साइजेस और काफ़ी पीसेज अवेलेबल थे। इसके अलावा जी ये है, ये अबीहा के लिए बाय किया है, ये है जी, ये रिफा मार्केट है, पूरी एक मार्केट है, कपड़े जूते बैग्स मोबाइल एसेसरीज हर चीज़ वहाँ अवेलेबल है। एक्चुअली मैं बैठी हुई थी पीछे तो मैं सारा कैप्चर नहीं कर सकी, वरना मैं आपको सारा कैप्चर करके दिखाती। ये भी मैंने बिहार के लिए बाय किया है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। सो बेटर ये है कि आप किसी ऐसे को साथ लेके जाए जो वहाँ पहले जा चुका हो, जिसे शॉप्स का पता हो। ये है, और ये ना मुझे लग रहा है ये लड़की की थी और मैंने बाय कर लिया जल्दी में, मुझे पता नहीं चला, बट कोई नहीं, खैर है ईमान पहनने की, बहुत क्यूट है ये, कितना क्यूट है ये। और जिस तरह से भी आपको बच्चों की चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा ये ईमान की एक और टाइट्स है जो मैंने बाय की है, और एक और मैंने ब्लेंडर मारा है, ये देखिए ये भी मैंने जल्दी में बाय कर ली अबीहा के लिए। आई थिंक ये भी लड़कों का है, बट ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत बहुत सॉफ्ट है, ये कपड़ा भी बहुत अच्छे हैं। तो उम्मीद है कि जी आपको पसंद आई होगी मेरी कलेक्शन। इसके अलावा जी मैं भूल ही गई, एक और पीस भी था, ये देखिए मेरा दुपट्टा आ गया। अच्छा ये देखिए जी, ये बहुत ही प्यारा सा एक जो है ना, ये देखिए जी, ये देखिए कितना क्यूट है। आपको पता है गर्ल्स को हम डिफरेंट तरीके से जो है कपड़ों को स्टाइल करते हैं, तो ऑब्वियसली इसके नीचे कुछ पहना के तो ईमान को मैं बड़ा अच्छे से ये स्टाइल कर सकती हूँ। इसके साथ बहुत ही मज़े का मुझे लगा, तो एक मिनट भी नहीं मैंने सोचा था, इसको मैंने ले लिया, और कैसे स्टाइल करूँगी फिर बाद में देखेंगे, बट पहले मैंने इसको बाय कर लिया। तो उम्मीद है जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जी एक बार फिर से मैं आपको सारे कपड़े दिखा रही हूँ, कुछ कपड़े मैंने इसमें नहीं डाले, जैसे जो वाइट थे वो नहीं डाले हैं मैंने, जगह कम थी, तो मैंने कहा एक बार आपको ज़रा ओवरलुक दे दिया जाए।